मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगे अलंकार। हम लोग जानेंगे कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है भूषण या आभूषण या गहना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण, भूषण या गहना। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होती है काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा आचार्य डांडी जी ने दिया है। यानी सबसे पहली बार परिभाषा काव्य शास्त्र को किसने दिया? आचार्य डांडी जी ने। हिंदी के कवि केशवदास, केशवदास अलंकारवादी कवि है। यानी हिंदी के सबसे प्रथम कवि अलंकारवादी कौन है? तो केशवदास जी है। आगे चलते हैं अलंकार के प्रकार में। अलंकार के प्रकार, अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार, एक होता है उभय अलंकार। सबसे पहले हम लोग शब्द अलंकार देखेंगे। शब्दालंकार क्या होता है कि शब्दालंकार जहां शब्दों की शोभा बढ़ाता है। शब्दों की क्या करे? शोभा बढ़ाता है, वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार तीन प्रकार के, एक होता है यमक, एक होता है अनुप्रास, एक होता है श्लेष। कितने होते हैं? एक यमक, अनुप्रास और श्लेष। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है?
प्रकाश अलंकार होता है कि जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जहां वर्णों की आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है। उदाहरण देखते हैं, जैसे तरणी, तनुजा, तटतमाल। देखिए यहां त वर्ण क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो यानी वर्ण की आवृत्ति जहां बार बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है, तो अनुप्रास अलंकार होता है। आई होप कि आपको यह चीज समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, यमक अलंकार। यमक शब्द अलंकार जहां कविता में एक ही शब्द दो बार है, लेकिन उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो। हमने क्या कहा कि यमक का अलंकार क्या होता है कि जब जहां एक ही कविता में एक ही शब्द क्या हो, दो बार आए, लेकिन अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, यानी अलग अलग हो। यानी यमक का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है दो। यमक का मतलब शाब्दिक अर्थ कितना होता है, दो। यानी इसका क्या होता है, मतलब क्या होता है, दो आता है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चतुराई लीने। रति रति शोभा सब के शरीर की। उदाहरण क्या है, कहे कभी बेनी बेनी बयाल की चतुराई लीनी, रति रति शोभा सबके शरीर की। ये रति रति इसका अलग 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 है, शब्द क्या है, दोबारा है, लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग है। आगे चलते हैं श्लेष अलंकार पे। श्लेष शब्द अलंकार, ये मैं शब्द अलंकार के भाग पढ़ रहे हैं हम लोग। शब्द अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, एक अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो श्लेष देखेंगे, श्लेष क्या होता है कि श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना, जहां एक ही शब्द एक ही बार
या कई बार प्रयुक्त होने पर अर्थ क्या हो, दो हो। हमने क्या कहा कि श्लेष अलंकार क्या होता है कि जब एक ही शब्द एक बार आए लेकिन अर्थ उसका क्या हो, अलग अलग हो। उदाहरण के देखते हैं, उदाहरण क्या होता है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबिरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यानी कवि भी भगवान को ढूंढ रहा है और चोर भी। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।